हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल दोस्त। और मैं हूं आपके दोस्त विनीत कुमार। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक गूगल एडसेंस ने एक नया फीचर्स ऐड किया है। आपके पास मेल आ रहा होगा या नोटिफिकेशन आ रहा होगा यदि आप गूगल एडसेंस खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे। अगर आप डेस्कटॉप से यूट्यूब खोलते हैं, इस समय एक नोटिफिकेशन आ रहा, आपके पास मेल भी आया होगा अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। तो आज के वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे इसको अपडेट करें, इसको अपडेट नहीं करेंगे तो क्या आपके साथ क्या क्या आपको माइनस पॉइंट हैं इसके और क्या क्या प्लस पॉइंट हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये फीचर्स है क्या। तो इसमें US ने अपने कुछ रूल्स चेंज किए हैं टैक्स से रिलेटेड। तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल जो है US की कंपनी है, तो उसका जो सबसे पहला आपको जो मेल आएगा उसमें कह रहे हैं वो अपना US के रूल्स के हिसाब से टैक्स अपडेट कीजिए। पहले आप यदि इंडिया में रह रहे हैं, पहले आपने टैक्स का अपडेट किया होगा, अपना पैन कार्ड वगैरह जो डाला होगा ये उससे अलग डालना है आपको। आप यदि गूगल एडसेंस खोलेंगे तो उसमें साइड में पूरा डिटेल आ जाता है। साइड में दिखा देता हूँ किस तरीके का मेल आएगा आपके पास, यदि आया नहीं है, आने वाला है या आ चुका होगा। ये सभी के पास आ चुका है, मेरे पास भी आया था, मैंने अपडेट कर दिया है। तो इसको करना क्या है, आपको आपको गूगल एडसेंस पर जाना है और वहाँ पर जाके कुछ डिटेल भरनी है। वो एक फॉर्म करके मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ इस तरीके का, ये फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना है ओनली। तो जो टैक्स की जो अपडेट है ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप इसको सबमिट नहीं करते हैं तो उसका उन्होंने एक टाइम लाइन दिया है, मई तक का कुछ टाइम लाइन दिया है उन्होंने। अगर आप गूगल ने अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपका 24% टैक्स आप जो अर्निंग करते हैं, पहले क्या होता है कि आप 55% आपको मिलता है, 45% आपका जो यूट्यूब ले लेता है, आप जो भी अर्निंग करते हैं। इस रूल के बाद आप जो अर्निंग करेंगे, आप जो US से अर्निंग करेंगे, वो इंडिया से जो आप अर्निंग करेंगे उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। आप जो US से अर्निंग करेंगे उस पर 24% टैक्स लगेगा आपको। यदि आप ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है अपडेट नहीं करते तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मगर जो मुझे मेल समझ के या गूगल की बातें समझ के जो समझ में आया कि आपकी टोटल अर्निंग पे वो आपका 24% टैक्स काट लेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दीजिए, उससे आपकी अर्निंग पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप अपडेट कर सकते हैं, मैं डिटेल में पूरा दिखा देता हूं आपको किस तरीके से मैंने अपडेट किया। और तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। आपको गूगल पर जाके गूगल एडसेंस सर्च करना है और सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, साइन इन करना है जिस आईडी से आप एडसेंस पे हैं। तो मैंने साइन इन कर लिया है, मेरा ये जो अकाउंट है इस पर अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ऊपर इस तरीके से आपको दिखेगा ये पूरा इन टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए ऊपर पूरा मैसेज आएगा। तो मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। मैंने ये अप्रूव कर लिया है, आप देख रहे होंगे फॉर्म W8VEN करके, ये मैंने अपडेट कर लिया, मेरा अप्रूव भी हो गया। और ये मैंने 11 मार्च आज ही किया है, आज ही मेरा अपडेट हो गया, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने किया ये। तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना गूगल का जो पासवर्ड है, जीमेल का पासवर्ड डालना होगा। और जीमेल से आप जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप कंपनी की आईडी है आपकी या आपकी पर्सनल आईडी है, इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे। दूसरा, आप US में रहने वाले हैं या नहीं, मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए नो। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको ऊपर वाला फॉर्म भरना है और इसके बाद इसमें काफ़ी सारे आपको अपने प्रूफ, मतलब नाम भरना है, कंट्री भरना है। तो आप बिजनेस का नाम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। अपने कंट्री का नाम आपको डालना पड़ेगा, तो जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर दूँगा। आप किसी अदर कंट्री में हैं तो आप अदर, अपना जो भी कंट्री है आपका। तो बेसिकली ये वीडियो मैं इंडियन के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरा हिंदी में है। तो इंडिया सेलेक्ट कर देंगे और नीचे वाले जो दोनों ऑप्शन हैं ये भी आपके पास टिन है तो आप डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको आपका एड्रेस भरना है पूरा,
फिर टैक्स की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे और आपसे सर्टिफाइड करवाएंगे ये कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और ये विद इन 5 मिनट अप्रूव हो जाता है। मेरा तुरंत अप्रूव हो गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा बिल्कुल अप्रूव हो चुका है। मैंने सबमिट किया था आज ही और तुरंत अप्रूव हो गया था ये मेरे नाम से, आप देख सकते हैं विनीत कुमार यादव। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अपडेट कर लीजिए। यदि आपकी अर्निंग आ रही है तो भी आप अपडेट कर दीजिए, यदि आपकी अर्निंग नहीं आ रही है फिर भी आप अपडेट कर दीजिए। यदि आपकी अर्निंग आने वाली है नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी 2 महीने 3 महीने में, या चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अपडेट कर दें। फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली, मैंने आप लोगों से शेयर की। आशा करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।